फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही क्विक स्नैक्स पालक के पकोड़े, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही जल्दी बनेंगे। उसके लिए मैंने लिया पालक 200 ग्राम, तेल, एक हींग है, एक पिंच सोडा, एक कटोरी बेसन, आधी कटोरी चावल की आटा, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, अजवाइन है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले मैं एक कटोरी में बेसन ले रही हूँ। एक कटोरी बेसन है, आधा कटोरी चावल का आटा है, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून मिर्च पाउडर, हाफ स्पून चाट मसाला, हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर उसके बाद 1/4 स्पून हींग है और 1 स्पून अजवाइन है। अजवाइन हमें ज़्यादा डालना है, उससे गले में खराश नहीं होती है और पेट में प्रॉब्लम भी नहीं होगी ऑयली फूड खाने से। अब मैंने इसमें डाला है नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 स्पून ऑयल। ऑयल डालने से पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। अभी मैं इसमें पानी सिर्फ 1/4 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है। पालक हो या कोई भी वेजिटेबल जिसमें भी हम डाल के पकौड़े बनाते हैं, उसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज बैटर गीला बनेगा और पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा तेल को सोख लेगा। अभी मैंने पालक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और 1 पिंच खाने का सोडा डाल रही हूँ। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमारा बैटर बनके रेडी है। आप इसमें देख सकते हैं बेसन और चावल आटा कम है, पालक ज़्यादा है। हमें पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बेसन और चावल आटे का कम इस्तेमाल करना है, तभी ये हेल्दी बनेंगे। अभी मैंने तेल अच्छे से गर्म होने रख दिया। उसके बाद मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। तेल डालते समय गर्म था, फिर उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम करके इन्हें फ्राई किया। अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और गैस का फ्लेम स्लो रहेगा तो बहुत ज़्यादा तेल सोख लेंगे, इसलिए हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर रही हूँ, ऊपर नीचे पलटते हुए। हमारे पकौड़े बन के रेडी है। मैं इनको निकाल ले रही हूँ। निकाल के सेम इसी तरीके से मैं बाकी के सारे पकोड़े भी तल के निकाल लूँगी। ये पकोड़े एज ए टी टाइम स्नैक्स बहुत बढ़िया। अभी बरसात का टाइम भी है, शाम को कुछ खाने का मन कर रहा है, तो सिंपल बेसन के पकोड़े बनाने की बजाय उसमें चाहे पालक हो, बंदा गोभी हो, गाजर हो, कोई भी सब्जी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालिए, बनाइए, बहुत ही टेस्टी रहेंगे, साथ में बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अब ये भी पकोड़े बन के रेडी है, मैं इनको भी निकाल ले रही हूँ और बाकी के सारे पकोड़े भी मैं सेम इसी तरीके से तल लूँगी। इनको तल के मैंने इनको सर्व किया है दही के साथ। आप इसे सॉस, चटनी, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब हमारे टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बन के रेडी है। ये टेस्टी हेल्दी स्नैक्स बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।